नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, सबसे पहले तो एंगल थोड़ा चेंज हो गया है मेरी वीडियो का और मैं आज माइक्रोफोन भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो अगर थोड़ा सा साउंड इश्यू होता है या मेरी आवाज़ कम आती है तो प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा। सो आपने टाइटल पढ़ा होगा, तो ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है जिसमें कि आपको पता लगने वाला है कि मैंने वैक्सीन लगवाई तो कहाँ से लगवाई, कैसे लगवाई, और पेड थी, फ्री थी, ऑफकोर्स पेड ही थी। सो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तो कहानी शुरू होती है मॉर्निंग में। मैंने ऐसे ही बस ट्राई करने के लिए स्लॉट्स चेक किए थे कि फ्री अवेलेबल है कि नहीं। सो मैंने देखा कि टेलीग्राम पे U45 देहरादून करके वैक्सीन्स के लिए एक मतलब नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हो आप। तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसको भी आपको अगर अवेयर रहना है कि कब स्लॉट्स आ रही हैं कब नहीं आ रही है, तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो वो जो टेलीग्राम पे वो जो अकाउंट था उससे मेरे को नोटिफिकेशन आया, तो मैंने देखा कि उसमें जम्बो साइट 3 करके, क्योंकि देहरादून में कम से कम 5 जम्बो साइट्स हैं जहाँ पे वैक्सीन्स लग रही थी, तो उनमें से जम्बो साइट 3 करके उसमें फ्री स्लॉट्स 18+ 300 स्लॉट्स दिखा रहे थे। सो आई गॉट एक्साइटेड। मैं दीदी को एकदम खुश होकर बोल रही हूँ, दीदी देख फ्री स्लॉट्स मिल गए मुझे। सो मैंने उसको खोल के देखा कि चलो बुक करते हैं स्लॉट्स। फाइनली मुझे फ्री स्लॉट्स मिल गए। खोल के देखा, ओके, लिंक तो कहाँ खुलनी थी, क्योंकि उनका भी एक टाइम स्लॉट फिक्स होता है कि आप 7 बजे चेक कर सकते हो, तो उस समय तो नहीं खुला, मॉर्निंग की बात है। तो जब भी वैक्सीन्स चेक करती थी मैं स्लॉट्स, तो उसके नीचे रिटर्न में आता है कि आप भी चेक कर लीजिएगा, कि उसमें लिखा होता है कि आप सेंटर में जाके डायरेक्टली लगवा सकते हो वैक्सीन्स। तो मुझे लगा हाँ ये सही है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो एकदम सडनली प्लान बन गया कि हाँ फ्री स्लॉट्स मिल गए हैं, हमें पता है कि कहाँ है, इतने सारे स्लॉट्स है तो हमें भी मिल ही जाएगा। तो हम एकदम सडनली प्लान बना, तो मेरी सिस्टर, मेरी दी और मैं, हम लोग चले गए सुबह जल्दी जल्दी में। और बाहर हो रही है बारिश, लगातार बारिश ही हो रही है और हम बारिश में लगे हैं रास्ता। तो हम गए, पहुंचे, और वो साइट थी देहरादून वालों को पता होगा, कारगी चौक और ISPT के बीच में एक मोड़ो वाला चौक है शायद, उस एरिया में निरंकारी भवन करके वो साइट्स हैं। मोस्टली जो 2-3 साइट्स हैं वो उसी एरिया में हैं सारे। तो कुछ ऐसी नाम है, मैं आपको उसका वो दे दूंगी, एड्रेस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बस निरंकारी भवन ऐसी जम्बो साइट 3 करके मुझे याद है। तो हम वहाँ गए और पहले तो हम ISBT पहुँच गए, हमें पता नहीं था कि वो पीछे ही छूट गई है वो जगह। तो गूगल मैप पे चेक करके वापस गए, बारिश में ही गए, पहुंचे वहां पे, देखा खड़े हो रखे हैं वो अंकल लोग जो भी वहां पे गार्ड वगैरह थे, मास्क वास्क पहन के, कि हाँ एंट्री के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि वहां पे जाके पता चलता है कि जो मदर हैं जिनका 5 साल तक का बच्चा है, सिर्फ उन्हीं को फ्री स्लॉट्स मिल रही हैं बिना स्लॉट बुक करे। और हम पहुंचे वहां पे तो उन्होंने हमसे पूछा स्लॉट बुक है, हमने कहा नहीं स्लॉट्स तो बुक नहीं है। तो बुक, क्योंकि जब हम बुक कर रहे हैं तब तो वहां पे स्लॉट्स दिखाई नहीं रहा है, जब हम फ्री चेक बोल रहे नहीं बेटा वो तो सिर्फ 7 बजे के आसपास खुलता है शाम को, और क्या कभी 7:02 पे भी खुल जाता है। फिर मुझे लगा ये इतना उसमें बोल रहे हैं कि हाँ 7:02 पे खुलता है। तो उन्होंने फिर एक वो भी दे रहे थे, वो वहां पे कुछ पिन कोड सा था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उसको डालिए आप और आपको अगर स्लॉट आपका बुक हो जाएगा फिर आप यहाँ से लगा सकते हैं। एंड आई वॉज लाइक, मेरा तब तक इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो चुका था क्योंकि बारिश हो रही है और इतना पैदल हम लोग चल चुके थे, कम से कम 1.5 किलोमीटर हम वापस आए हैं ISBT से, और पहले भी हम पैदल चल चुके थे और बारिश में भीगते हुए हम जा रहे हैं, और फिर वहां पर जाके पता चलता है कि नहीं लग रहा है तुमको स्लॉट। तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था मुझे, और अब मुझे लगाना ही नहीं है, भाड़ में गया मेरे जो एग्जाम था, रहने दो आप उसे। तो फिर दीदी ने कहा चल कोई नहीं, तेरा पेड स्लॉट हमने बुक कराई है तो वहां जाके करते हैं। तो वापस हम लोग आए हैं जोगीवाला, वापस आए हैं हम वहां उस जगह से, जोगीवाला में कैलाश हॉस्पिटल, वहां पे हमने अपना पेड स्लॉट बुक करा था। तो हम वहां पे गए, तो पूछा कहाँ लग रहा है जो भी वैक्सीन वगैरह, वो हम वहाँ पे पहुँचे। फिर उसके बाद हमने पहले अपना वो करवाया है जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह। फिर और वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल का हिसाब ये है कि आप जाओ बिना स्लॉट बुक करे, आपको मिल जाएगा। सच में मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो पहले हमने अपना वो करवाया, एंट्री करवाई, फिर उसके बाद हमने बिलिंग करवाया। बिल भी अभी मेरे पास है, ये इसकी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि बारिश में थोड़ा भीग गए थे हम लोग, तो इसकी ऐसी हालत हो रखी है, देख सकते हैं आप। कैलाश हॉस्पिटल का जो भी हमने बिलिंग करवाई थी कोविड की, यू कैन सी, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता कि मैंने पेड लगवाया है या ऐसे ही बोल रही है। तो लगवाया मैंने, उसके बाद हमने ये बिलिंग वगैरह करवाई है। फिर उसके बाद बिलिंग करवाने के बाद हमको वहाँ पे वो इतने आराम से, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो पूछते रहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल जैसा नहीं है कि तुम जा रहे हो, लाइन में लगे हो, धक्के खा रहे हो और तुम एक से पूछ रहे हो कहाँ जाना है तो वो तुम्हें दूसरी जगह ना चाह रहा है, दूसरी वाला तीसरी जगह ना चाह रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है कि काम एकदम सिस्टमैटिकली, हाँ यहाँ जाना, ये करना, काम हो गया खत्म, सीधे अपने घर पर आ जाओ। तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ। हम पहुंचे 1:30 बजे और मेरा 1:45 तक मेरी वैक्सीन भी लग गई थी। इतने जल्दी काम हो गया। अपने बिलिंग वगैरह करवाई, बैठे हैं, मेरा नंबर आया। सिर्फ होंगे वहां पे भी 7-8 लोग थे मुझसे पहले लगवाने वाले, तो उन्होंने लगवाई है, पर वो सारे बिना स्लॉट बुक करे हुए थे। मैं वहां पे बैठी, जैसे मैंने अपनी वैक्सीन लगवाई है, मैं वहां पे बैठी। तो वैक्सीन लगवाने के बाद उन लोगों ने वहां पे पहले फिर स्लॉट्स बुक करे, लगवाने के बाद स्लॉट्स बुक करे हैं, तब जाके फिर उनका जो भी ये उन्होंने वो दिया हमें, जो भी कहते हैं सर्टिफिकेट जो आपको ऑनलाइन मिलता है, उन्होंने हमें ये प्रिंट भी दिया। इसकी भी बहुत खस्ता हालत हो रखी है थोड़ा, क्योंकि वही बारिश में भीग गए थे हम लोग, तो बैग वैग सब भीग गया था। तो ये सब होने के बाद 780 का कैलाश हॉस्पिटल में मैंने अपना पूरा लगवाया वैक्सीन वगैरह। तब जाके मुझे शांति आई कि हाँ चलो अब मैं, और मैं दीदी को बोल रही हूँ भाई जब तक मेरा सर्टिफिकेट फोन पे नहीं आ जाता तब तक मैं मानूंगी नहीं। हाथ पे ये है फिर भी नहीं, क्योंकि अर्जेंसी इतनी कर रखी है अब हर जगह पे। तुमको एग्जाम देना है, तुम बोलो कि हाँ ये चाहिए तुम्हें, सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें, अगर कहीं एग्जाम मतलब एंट्रेंस का एग्जाम, या तुम्हें कहीं कॉलेज जाना है, कुछ भी करना है, तुम्हें पहले एक बार वैक्सीन चाहिए या आरटीपीसीआर चाहिए। तो आरटीपीसीआर में वैसा तो 3-4 दिन तक तो रिपोर्ट आती ही नहीं है, तुमको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा अगर चाहिए तो वही है सीन। तो ये सब होने के बाद फाइनली पेड वैक्सीन मैंने लगवा ली। तो फिर भी मैं बता दूं लोगों को जिनको फ्री स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ जम्बो साइट्स पे चेक करो और 7 बजे के आसपास शुरू हो जाओ फ्री स्लॉट्स देखना, क्या पता आपको मिल जाए फिर भी लकीली अगर हुए तो, क्योंकि देहरादून में अभी कहीं भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। मेरी मम्मी ने अभी 2nd डोज लगवाया तो वहां जाके पता चला, तो उन्होंने कहा अभी तक हायर अथॉरिटी से उनको नहीं आया है ऑर्डर की, हाँ ऑर्डर भी क्या उनको सप्लाई नहीं हुई है 18+ वालों की फ्री स्लॉट्स की। तो जहां भी मिल रहा है लकीली आपको मिल जाता है तो लगवाइए, नहीं मिलता है तो रुको, पेड लगवाओ, ऑप्शंस नहीं है कुछ और। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देखिए। और प्लीज सब्सक्राइब करिए यार चैनल को, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। टिल देन बी अवेयर एंड जय हिंद।